press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलवर फल सब्जी मंडी में एक बार फिर व्यापारियों और कर्मचारियों का विवाद सामने आया है। मंडी अध्यक्ष देवेंद्र छाबड़ा के नेतृत्व में व्यापारियों ने मंडी सचिव और कर्मचारियों द्वारा नाजायज परेशान करने का आरोप लगाते हुए एडीएम प्रथम राकेश गढ़वाल को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि व्यापारियों ने पिछले दिनों भी मंडी सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। वहीं मंडी सचिव ने मंडी में केले पकाने के लिए चलाए जा रहे कोल्ड स्टोरेज को अवैध बताया था। इस बीच सचिव का स्थानांतरण भी हो गया था। एक बार फिर व्यापारियों और मंडी सचिव आमने सामने हैं। आज हम एडीएम फर्स्ट को हम ज्ञापन देने आए हैं कि जो बार बार भूतपूर्व सचिव द्वारा हमें चोर बताया जा रहा है, जो हमारे बनाना राइपनिंग चैम्बर मंडी के अंदर लगे हुए, मैं सबूतों के एडीएम को ज्ञापन देने आए हैं कि साहब ये देखो किस किस तरीके से कृषि उपज मंडी ने बाकायदा प्रस्ताव लेके 27/12/12 को प्रस्ताव संख्या 19 की 3-phase कनेक्शन की हमारे को परमिशन दी। उसके बाद भारत सरकार का कागज है कि पहले केले कैल्शियम कार्बाइड से केला पकता था, उसको बंद करके WHO और भारत सरकार ने उस पर बैन लगा दिया कि राइपनिंग चैम्बर से केला पकाया जाए। इन सारे सबूतों के साथ आज हम एडीएम साहब के पास उपस्थित होने के लिए आए हैं। उनको दिखाएंगे कि साहब हमारे को बताया जाए कि हम किस तरह से चोर हैं, जो भूतपूर्व सेक्रेटरी हमारे को बार बार चोर बता रहा है। अगर चोर बता रहा है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करी जाए। हमारी मांग ये है कि हमें हमारी जो समस्या है मेन भ्रष्टाचार की और जो आतंक फैला रखा था उससे मुक्ति दिलाई जाए, और हमारे सबूतों को देख के हमारे खिलाफ जो बार बार ये बिजली का कनेक्शन काटना और इस तरह के हमारे को प्रताड़ना दी जाए, उनसे हमारे को मुक्ति दिलाई जाए।